आखिरकार खबरों को विराम देते हुए मोटोरोला ने अपने तीन लेटेस्ट स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर दिया है। मोटोरोला ने अपने तीन लेटेस्ट स्मार्टफोन्स को मोटो जी 6, मोटो जी 6 प्ले और मोटो जी 6 प्लस के नाम से पेश किया है। फिलहाल इन स्मार्टफोन्स को ब्राजील में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं जोईता और आप देख रहे हैं लोकमत न्यूज हिंदी टेक्शाला। आज हम अपने इस वीडियो में मोटो के इन तीन लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में आपको डिटेल देंगे, तो आइए जानते हैं क्या खास है इन स्मार्टफोन्स में। मोटोरोला ने मोटो जी सीरीज से पर्दा उठा दिया है। इन स्मार्टफोन्स में सबसे खास मोटो जी 6 प्लस स्मार्टफोन्स है। बाकी दोनों स्मार्टफोन की तुलना में यह हैंडसेट बड़े डिस्प्ले, तेज प्रोसेसर और ज्यादा रैम के साथ पेश किया गया है। वहीं मोटो जी 6 और मोटो जी 6 प्ले में एक ही साइज के डिस्प्ले रैम दिए गए हैं। हालांकि बैटरी क्षमता दोनों की अलग है। इनकी कीमत पर अगर गौर करें तो मोटो जी 6 की कीमत $249 जो कि लगभग ₹16,500 रखी गई है। वहीं मोटो जी 6 प्ले की कीमत $199 जो कि लगभग ₹13,000 है। मोटो जी 6 प्लस की कीमत €299 जो कि लगभग ₹24,350 रखी गई है। इन स्मार्टफोन्स को भारत में कब तक उपलब्ध कराया जाएगा, फिलहाल इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। मोटो जी 6 प्लस में फुल HD प्लस 5.93 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। फोन एंड्रॉयड 8 ओरियो पर चलता है। ड्यूअल नैनो सिम वाले इस हैंडसेट में स्नैपड्रैगन 630 प्रोसेसर काम करता है। फोन में 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज है। कैमरे की अगर बात करें तो 12 प्लस 5 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा सेटअप है और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। मोटो जी 6 की अगर बात करें तो इसमें 5.7 इंच की स्क्रीन दी गई है। स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर है। फोन में 3GB रैम दिया गया है। दूसरे फोन की तरह ही यह एंड्रॉयड 8 ओरियो पर चलता है। यह भी ड्यूअल सिम सपोर्ट है। कैमरे की अगर बात करें तो हैंडसेट में 12 प्लस 5 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप है। मोटो जी 6 में यूजर को ड्यूअल टोन ड्यूअल लेंस फ्लैश मिलेगा। फ्रंट में सिंगल फ्लैश की भी सुविधा दी गई है। मोटो जी 6 में 32GB का इनबिल्ट स्टोरेज है। साथ ही फ्रंट में डिस्प्ले के नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर दिए गए हैं। फोन को पावर देती है 3000mAh की बैटरी। अब बात करते हैं मोटो जी 6 प्ले की, जिसमें 5.7 इंच का डिस्प्ले है। फोन स्टॉक एंड्रॉयड 8 पर काम करता है। इसमें ड्यूअल सिम की सुविधा दी गई है। हैंडसेट में स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ है। यूजर को इसमें 3GB रैम व 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। फोन के बैक में 13 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि सिंगल LED फ्लैश से लेस है। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। फोन को पावर देने के लिए 4000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। यह टर्बो चार्ज सपोर्ट के साथ आएगी। टेक जगत की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे लोकमत न्यूज.in के साथ।